दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। 69 शिक्षक भर्ती में जो डिवीज़न बेंच इलाहाबाद का जो फैसला आया उसमें कहा गया 3 महीने के अंदर आपकी लिस्ट को रिविजिट करना है, और जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है विशेषकर ओबीसी और एससी वालों के साथ में, तो उनको एक जो जितनी भी सीटें उनकी बनती हैं 27% ओबीसी का, 21% एससी का, उसको अपना हक मिलना चाहिए, इसलिए पूरी लिस्ट को रिविजिट कर दीजिए। उस समय से जब ये फैसला आया उसके बाद ही बवाल मचना शुरू हो गया। जो लोग इसमें चयनित थे, जो विशेषकर यूआर वाले, वो थोड़ा अनसेफ फील करने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो हम तो बाहर निकल जाएंगे, और पता सरकार के किसी को पता नहीं कि क्या है मूड क्या नहीं है। लेकिन आरक्षण विरोध में सरकार पहले से ही गिरी हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं जा सकती थी। लेकिन कुछ लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, जिसका डर था ओबीसी और एससी वालों के लिए कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे साथ में बुरा होने वाला है। तो इसीलिए ओबीसी वाले छात्र, एससी वाले छात्र धरना प्रदर्शन करते रहे, अनुप्रिया पटेल से मिले, केशव प्रसाद मौर्य से मिले, उप मुख्यमंत्री हैं, और तुम्हारे राजभर जी से भी मिले जो सामाजिक न्याय की बहुत बहुत बड़ी 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 बात करते हैं। लेकिन हुआ कुछ नहीं। मामला अंतिम आके सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में आपको मैंने कल भी बताया था कि कल का जो फैसला था उसमें स्टे लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है वो अभी 23 तारीख तक, परमानेंट नहीं है, 23 तारीख तक लगाया गया है। तो 23 तारीख तक, जैसे मैंने कल भी बताया, 23 तारीख तक जो यूआर के छात्र हैं, जो सिलेक्टेड हैं, वो एकदम सेफ हैं। जब ये 23 तारीख को सुनवाई होगी तो उस सुनवाई में क्या होगा, किसी देखो एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। जैसा भी उसकी दलीलें होती हैं उसके हिसाब से आप फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो मामला 4 साल से चल रहा है, जो एससी और ओबीसी के छात्र 4 साल से मतलब लगातार हर व्यक्ति के दर दर ठोकरें खा रहे हैं, मतलब भटक रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हासिल कुछ नहीं हुआ। डिवीज़न बेंच से एक आस जगी, एक उम्मीद जगी, लेकिन बाद में चल के वो सब लीपा हो गया, ख़त्म हो गई कहानी। ठीक है, लेकिन अब क्या ओबीसी छात्र छात्राओं को कुछ मिलेगा, कुछ न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से? मेरे को तो उम्मीद है कि मिलना चाहिए, क्योंकि डिवीज़न बेंच का जो फैसला है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ प्रावधान, देखो मैंने शुरुआत से इस पक्ष में मैं भी रहा हूँ कि किसी को सिलेक्ट है उसको नहीं निकाला जाए, उसका लाइफ टू राइट है, उसको निकालना बेहतर नहीं रहेगा। लेकिन सरकार, सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का सरकार को एक दिशा निर्देशन दे जिससे उन लोगों की भी जॉब बच जाए और इन लोगों को भी अंदर आने का मौका मिले, यही एक चीज़ एक सहूलियत भरी बात होती है और यही होना चाहिए ही। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से हमारा भी आग्रह है कि इस प्रकार की आप अपनी जो भी मतलब फैसला आए 23 तारीख को, मतलब जो भी सुनवाई हो, जैसा भी फैसला आप दें, तो लेकिन उन लोगों को कंसीडर करके ही दें, जो सेलेक्ट हैं उनको भी ना निकालें, और जो सेलेक्ट नहीं है उनको भी अपना वाजिब हक मिलना चाहिए। इसलिए हम उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं और सरकार से भी पुरजोर मांग करते हैं। दूसरा, क्या जो आशंका थी ओबीसी और एससी को वो पूरी हो गई? आशंका थी, लेकिन अभी 23 तारीख तक एक टेम्परेरी बेस पे मान सकते हो, एक टेंटेटिव है कि 23 तारीख तक आपका अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन 23 तारीख को जो भी होगा वो होगा। सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी सरकार, क्योंकि सरकार इस मामले में फंसी हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में, और मैंने बताया था सरकार बोले एकदम पीछे चली गई है, बिल्कुल एकदम इस मान लो कि सरकार की थूथू हो रही है हर जगह, इसलिए सरकार कुछ नहीं करेगी इसमें। सरकार यही चाहती थी कि कोई व्यक्ति इधर चले, सुप्रीम कोर्ट जाए, और इस प्रकार से हमें थोड़ा छुटकारा मिले, और सरकार को छुटकारा मिल गया है। ये फैसला सरकार के थोड़े से फायदेमंद रहेगा, कि किस लिए फायदेमंद रहेगा, कि सरकार थोड़ा सा बैक फ्रंट पर नहीं जा रही थी, मतलब बैक फुट पर जा रही थी, वो थोड़ी बच गई है इस समय। ठीक है, इसलिए। लेकिन ओबीसी और एससी वाले छात्र छात्राओं के जीवन को जो नरक बन गया है 4 साल से, आप देख रहे हो उनका विचारों का कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम उनसे यही कहेंगे सुप्रीम कोर्ट इस बात को ध्यान में रखते हुए फैसला दे कि जो 27% आरक्षण ओबीसी का और 21% आरक्षण एससी का उसे मिलना चाहिए, जनरल वाले छात्र जो यूआर में सेलेक्ट हैं वो भी कहीं डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ये भी बात हकीकत है। तो सब लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सुप्रीम कोर्ट ही रखेगा और निर्देश देगा, और हमें आशा है, उम्मीद है आपके लिए कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। ठीक है दोस्तों, और आप निश्चिंत रहिए, 23 तारीख तक आप कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे सब फेल है। जो बीएड का फैसला आया, सब बीएड बेचारे बेरोजगार हो गए सुप्रीम कोर्ट के इस एक फैसले से। ठीक, तो ये चीज़ सारी चीज़ मैंने इसमें कवर की है, कवर करने की कोशिश करी है, आपको भी फैसला न्याय मिले और उन लोगों को भी न्याय मिले, सब चीज़ में यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला होना चाहिए, और लास्ट में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। 23 तारीख को आप वेट करिए, वेट एंड वॉच वाली स्थिति बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।